तने हाथ उठाए थे सबके ऊपर। हरदोई की विकास खंड कछौना के लालता खेड़ा के ग्रामीणों ने मतदान का विरोध किया है। मतदान की अगर बात कर ली जाए तो अब तक केवल 11 मत ही पड़े हुए हैं, बाकी ग्रामीणों ने विरोध किया हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास नहीं हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं गिर जाते हैं। तमाम बार जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों से भी शिकायतें की गईं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। तो अब उनके पास यही विकल्प बचा है कि वो अपनी बात कैसे कह सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर तमाम गाँव के लोग मौजूद हैं जो अपनी बात बताएंगे कि किन परिस्थितियों में विरोध मतदान का किया गया है और कितने मतदान अब तक पड़े हुए हैं। हालाँकि जो पीठासीन अधिकारी हैं उनका कहना है कि 11 मत पड़े हैं। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, जोनल मजिस्ट्रेट थे, वो भी गांव पहुंचे थे। अधिकारियों ने भी ग्रामीणों को समझाया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि विकास नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भैया, क्यों आप लोग मतदान का विरोध किए हुए हो? 10 साल का समय हो गया हमारे सांसद जी का, उन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया, तो हम लोग उनको क्यों मतदान दें? हम बहिष्कार कर रहे हैं। इसके पहले विधायकी वो भी उनके परिवार में है, उसमें भी कोई सहयोग नहीं जनता के लिए, खाली आश्वासन दे दिया। टेंडर हमारा पास है, ये झूठे आश्वासन से नहीं, कागज पर काम लिख के कर दो, जमीन पर कुछ नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए। सामूहिक रूप से बहिष्कार। भैया, क्या नाम है आपका, क्यों विरोध मतदान का किया जा रहा है? सलमान नाम है, यहाँ रोड नहीं बन रही काफी दिनों से। कहीं शिकायतें करी आप लोगों ने? शिकायत बहुत हुई, कोई सुनवाई नहीं। सोशल मीडिया डालो। आपका क्या नाम है? अयूब। क्या शिकायत है आपको और मतदान क्यों नहीं किया जा रहा? हमारी शिकायत ये है कि यहाँ कोई कार्य या कोई विकास, ना कोई अधिकारी ना कर्मचारी, कोई भी नहीं आता है। ना रास्ता है, रास्तों में खड्डे पड़े हैं, आदमी पैदल चले तो मुँह के बल गिर जाए, ऐसा रास्ता पड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या करें, जब कोई कार्य विकास नहीं, क्यों वोट करें, किस बुनियाद पर वोट करें, जब कोई सुनवाई नहीं है, कोई सरकारी कोई कार्य नहीं, केवल यहाँ ये राशन आता है और कोई विकास नहीं होता है। ना लगाए नाली और ना कोई खरंजा, ना कोई रोड, ना कोई विकास, बस इतना आता है, राशन आता है हर महीने मिलता है। क्या नाम है? नसीम। अच्छा, क्यों मतदान का विरोध यहाँ पर किया? आज से 20 साल पहले रोड बनी थी, जब से कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। इतने इतने बड़े गड्ढे हैं कि आदमी गिर जाए तो पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, कुछ पता नहीं क्या होगा, कोई सुनवाई नहीं। अधिकारी आता है, वो चुनाव होता है, वोट लेके आदमी चला जाता है, उसके बाद वादा कर जाता है, उसके बाद फिर भी कोई सुनवाई नहीं। आज 20 साल से यही हो रहा है। भैया, क्या नाम है? हरिलाल चौरसिया। क्यों विरोध है विरोध मतदान का? विरोध यही है कि यहाँ रोड नहीं है, कोई भी विकास नहीं है, यहाँ पे कोई विकास नहीं है। मंत्री भी आते हैं, उनको शिकायत भी की जाती है। यहाँ के मौजूदा रामपाल वर्मा विधायक हैं, उनसे भी कहे थे, वो कहते पास है कागजी, कोई कुछ भी पास हो, जब बनी नहीं तो क्या पास है। यही है यहाँ की समस्या, और कोई समस्या नहीं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ और भी हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सोनिस। क्या दिक्कत है यहाँ? भाई, यहाँ पे रोड नहीं है, ठीक है, और बहुत दिन से तो यहाँ पे नालियाँ नहीं साफ़ हो रही हैं। हम देख रहे हैं 5 साल धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं, यहाँ तक कोई नाली तक की तो साफ़ नहीं कर रहा है। और मेन चीज़ है, यहाँ पे और कोई सुविधा भी तो नहीं है, काहे की सुविधा, ना आने जाने की सुविधा, ना कुछ, ना पानी का निकास, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ अधिकारी आए थे अभी समझाने आप लोगों? अभी तो अधिकारी आए थे, वैसे आएंगे ऐसे चले जाएंगे। क्या बताया अधिकारी? वो तो बोले कि हाँ हो रहा है काम, हो जाएगा, लेकिन कहाँ हो जा रहा है, आज 20 साल से ऐसे हो रहा है काम। अच्छा, अगर ऐसे होता तो काम हो जाता। क्या निर्णय आप लोगों का क्या है? वोट जब ही पड़ेगी, जब यहाँ से जब तक आदमी कोई बड़ा अधिकारी नहीं आएगा, जब तक कोई यहाँ कोई नहीं कहेगा कि रोड बनेगी, तब तक वोट नहीं पड़ेगी। ग्रामीणों का कहना है कि अभी भी अधिकारी आए हुए थे, समझाया था कि मतदान करिए, सड़क बनाई जाएगी, विकास किया जाएगा, लेकिन ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब 20 साल से विकास नहीं हुआ है तो एक दिन में कैसे हो जाएगा? विकास नहीं हुआ तो वोट नहीं करेंगे।
इसी को लेकर इन लोगों ने विरोध किया है और इनकी मांग है कि कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और उनकी समस्या को सुने, उसका निस्तारण कराए, तभी यह लोग मतदान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ मनोज तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, हरदोई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।